देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। सिर्फ सच, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा न्यूज और पोल इंडिया न्यूज। मैं हूं मनोज कुमार पांडे और अभी मैं मनेर विधानसभा में वार्ड नंबर 10 में खड़ा हूं और हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी राधिका जी हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको आगे लेकर के ये चलना चाहती हैं और महिलाओं को काफी बल देना चाहती हैं, जानते हैं उनसे, राधिका जी से। जी, क्या क्या समस्या है? समस्या तो गाँव में बहुत है, हमारे वार्ड में तो ज्यादातर है। यहाँ का लाइट जो है, नाली जो है, स्कूल के बच्चा भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है। अब महिलाएं के भी ज़्यादा तकलीफ है, यहाँ के रोजगार बहुत महिला के लिए मतलब कि दिक्कत है। तो हम चाहते हैं कि महिला को बाहर निकाले और रोजगार उनके हाथ में दे के घर घर रह के अपना काम करें। यहाँ जो समस्या आ रही है महिलाओं की, जो यहाँ नगर पंचायत पहले था, अब नगर परिषद हो गया, तो क्या पहले समस्याओं को सुना जाता था? नहीं, पहले भी नहीं सुना जाता था जी। तो आपका उद्देश्य क्या है, आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? महिलाओं के लिए तो बहुत हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि सिलाई हो गया, घर घर में हम अपना हाथ में हम सब तरह से सिलाई कढ़ाई सब जानते ही हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अपना थ्रू महिला के रख के और महिला को सब रोजगार दें। बहुत ऐसे कारोबार है जो हम जानते हैं और वही देना चाहते हैं महिला के रोजगार के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। या भाई वालों को नमस्कार कहता हूँ और मेरा ये कहना है कि आज के डेट में हमारा नगर पंचायत से हमारा नगर परिषद बन गया है, लेकिन अभी भी हम आए दिन देखते हैं कि ना ही सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा मिल रही है, ना ही एम्बुलेंस का समुचित व्यवस्था है और ना ही शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था है। गरीब गुरबा के लोग जो हैं अपने पेशेंट को लेकर के और आए दिन भटकते चलते हैं और हमारे यहाँ सड़क की भी वही स्थिति है। आए दिन रोज़ पर डे न्यूज़ चलती रहती है कि आज सड़क जाम है, सड़क हादसा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ के कोई प्रशासन जो है अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और नहीं करने के बावजूद हमें ये देख करके और आज हम इस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि हर गरीब गुरबा के लोगों को समुचित व्यवस्था और सही समय पर सही हक दिलाने का काम करूँगा, ये मैंने ठान लिया है। और साथ ही मैं सुजीत कुमार होली के शुभ अवसर पर पूरे नगर परिषद वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद। मैं लाल बिहारी होली के शुभ अवसर पर समस्त भारतवासियों को, बिहार के वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत।